अगर आप जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो हो सकता है कोटक सिक्योरिटीज का ऑप्शन आपके दिमाग में जरूर आया हो, क्योंकि ये लोग जो ट्रेड फ्री यूथ प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं वहां पर इंट्राडे ट्रेडिंग आपको फ्री मिल जाती है। लेकिन आज के इस वीडियो में कोटक सिक्योरिटीज के ट्रेड फ्री यूथ प्लान का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल करके आपके सामने रख देने वाला हूं, जहां पर इस प्लान के ब्रोकर चार्जेस के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे और कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में जानेंगे जो शायद आपको किसी और ने नहीं बताए हों। इस टॉपिक के ऊपर मैंने करीब करीब 8 महीने पहले एक वीडियो और बनाया था, तब से लेकर आज तक काफी सारे चेंजेस इस प्लान के अंदर आ चुके हैं, तो आपको ये वीडियो केयरफुली कंप्लीट देखना बहुत जरूरी है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस, मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माय कंपनी। तो गाइस सबसे पहले हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि एलिजिबल अगर आप होंगे ही नहीं इस प्लान के लिए तो आपको चार्जेस से जानकर भी कोई खास फायदा नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए सबसे पहले तो ये ट्रेड फ्री यूथ प्लान में अगर आप जाने वाले हैं तो आपकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। वीडियो के अंदर हम कंपेयर करने वाले हैं ट्रेड फ्री प्लान से, जहां पर अगर आपकी एज 30 ईयर से ज्यादा भी है तो ट्रेड फ्री प्लान के ब्रोकरेज चार्जेस भी बताऊंगा और इसे फ्री यूथ प्लान से कंपेयर भी करूंगा। और जस्ट अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया खत्म करने के बाद हम ट्रेड फ्री प्लान का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रेड फ्री यूथ प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो मैंने बताया कि एज आपकी 30 ईयर से कम होनी चाहिए। प्लान ये अब सिर्फ 2 ही साल के लिए वैलिड रह गया है, यानी कि आपकी एज अगर 25 साल भी है तो भी आप सिर्फ 2 साल तक यानी 27 साल की एज तक ही इस प्लान में रह सकते हैं। यहां पर जो आपको सब्सक्रिप्शन फी है वो भी चेंज हो गई है, अभी उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आपके लिए जानना यह जरूरी है कि 2 साल जब आप ट्रेड फ्री यूथ प्लान में पूरे कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ट्रेड फ्री प्लान में शिफ्ट कर दिया जाता है, जो कि हमारा कंपैरिजन भी रहने वाला है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सारी चीजें हम ट्रेड फ्री प्लान के बारे में भी जानने वाले हैं। तीसरी यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर आप एक NRI हैं, अगर आप कोटक सिक्योरिटीज़ के एम्प्लॉई हैं या अगर आपने कोटक सिक्योरिटीज़ के दूसरे ब्रोकरेज प्लान्स ले रखे हैं जैसे कि एडवांस ब्रोकरेज प्लान या डिफरेंशियल ब्रोकरेज प्लान, तो उस केस में आप कोटक सिक्योरिटीज़ के ट्रेड फ्री यूथ प्लान के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर आपने कोटक सिक्योरिटीज़ का नियो प्लान ले रखा है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इस प्लान के लिए भी, यानी कि अगर आप नियो प्लान के सब्सक्राइबर्स हैं तो आप ट्रेड फ्री यूथ प्लान भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपकी एज अगर 30 ईयर होने वाली है और आप इस प्लान को ले लेते हैं तो जब आपकी एज 30 ईयर हो जाएगी तो क्या उसके तुरंत बाद आप ट्रेड फ्री प्लान में शिफ्ट कर दिए जाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर आपकी एज कल 30 ईयर होने वाली है और आज आप इस प्लान को ले लेते हैं तो भी आप 2 साल तक ट्रेड फ्री यूथ प्लान को एंजॉय कर सकते हैं और उसके बाद 2 साल बाद आपको यहां पर ट्रेड फ्री प्लान में शिफ्ट किया जाएगा। तो ये सारी एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब ट्रेड फ्री प्लान के बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। यहां पर आपको कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए एज की कोई कंडीशन नहीं है, चाहे आपकी एज 30 ईयर से कम है चाहे ज्यादा है, आप ट्रेड फ्री प्लान को कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान में कोई इयर्स की लिमिटेशन भी नहीं है, यानी कि यहां पर आप लाइफ टाइम के लिए बने रह सकते हैं और यहां पर कोई रिन्यूअल चार्जेस वगैरह भी आपको पे नहीं करने पड़ते हैं। वन टाइम सब्सक्रिप्शन फी ही आपको ट्रेड फ्री प्लान के अंदर पे करनी पड़ती है। इसके अलावा एक जो कंडीशन यहां पर ट्रेड फ्री यूथ प्लान में एप्लीकेबल थी वो यहां भी लगेगी कि अगर आप कोई NRI हैं या आप कोटक सिक्योरिटीज के एम्प्लॉई हैं या अगर आप कोटक सिक्योरिटीज के डिफरेंशियल ब्रोकरेज प्लान या एडवांस ब्रोकरेज प्लान को ले रखे हैं तो उस केस में आप ट्रेड फ्री प्लान को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो यही कंडीशन है ट्रेड फ्री प्लान की। अब हम बात करते हैं यहां पर ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, ट्रेड फ्री प्लान के और ट्रेड फ्री यूथ प्लान के ब्रोकरेज चार्जेस को कंपेयर करके देखते हैं। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस से रिलेटेड आपको कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती रहती है ब्रोकरेज चार्जेस से रिलेटेड, या आप ब्रोकर्स को कंपेयर करना चाहते हैं या आप आपके ब्रोकर से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरीके की काफ़ी क्वेरीज हमें भी अपने कमेंट सेक्शन में मिलती रहती है। इसलिए हमने एक ब्लॉग वेबसाइट को डेवलप किया है डीमैट डाइव के नाम से, जहां पर आप स्टॉक्स लेने से लेकर डीमैट अकाउंट के क्वेरीज तक सारी चीज़ों को छोटे मोटे आर्टिकल्स को पढ़ करके आराम से रिजॉल्व करवा सकते हैं। तो डीमैट डाइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के हमारी वेबसाइट को जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम ब्रोकरेज चार्जेस की तरफ और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस यहां पर क्या क्या लगने वाले हैं। तो देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्ज आपको ट्रेड फ्री यूथ प्लान के अंदर नहीं देना पड़ता है, लेकिन ट्रेड फ्री प्लान में आपको 99 रुपीज प्लस GST का अकाउंट ओपनिंग फी देनी पड़ती है। अब अगर ट्रेड फ्री यूथ प्लान की बात करें तो यहां पर सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना पड़ता है 299 रुपीज का फर्स्ट ईयर में, और सेकंड ईयर का चार्ज उन्होंने चेंज कर दिया है, 299 की जगह 499 रुपीज कर दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वीडियो को पूरा देखना, अगर पिछला वीडियो देख करके आए तो वहां से काफी सारी चीजें यहां पर चेंज हो गई है ट्रेड फ्री यूथ प्लान में भी। पहले क्या होता था, पहले हर साल का जो रिन्यूअल फीस थी वो 299 थी, अब फर्स्ट ईयर की फीस, फर्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन फी 299 है, सेकंड ईयर का रिन्यूअल फीस जो है वो 499 रुपीज कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें अगर हम ट्रेड फ्री प्लान की तो यहां पर आपका जो सब्सक्रिप्शन फी है वो 0 है, लेकिन आपको ध्यान में रखने वाली बात यह
है कि अगर आप कोटक सिक्योरिटीज के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो उस केस में जब आप ट्रेड फ्री प्लान के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 499 रुपीस की अकाउंट ओपनिंग फी देनी पड़ती है 99 रुपीस के कंपैरिजन में। यानी कि अगर आप कोटक सिक्योरिटीज में नए हैं तो ट्रेड फ्री प्लान 99 रुपीस में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप कोटक सिक्योरिटीज में पहले से एग्जिस्टिंग हैं तो 499 रुपीस की फी पे करके आप इस प्लान को ट्रेड फ्री प्लान को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये हो गया कंपैरिजन ट्रेड फ्री प्लान और ट्रेड फ्री यूथ प्लान का अकाउंट ओपनिंग और सब्सक्रिप्शन चार्जेस के बारे में। अब हम बात करते हैं यहां पर एएमसी चार्जेस के बारे में। तो एएमसी जो है वो दोनों ही अकाउंट की सेम है, लेकिन यहां पर आपके लिए कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बीएसडीए यानी कि बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट का। तो यहाँ पर जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, किसी एग्जीक्यूटिव से बात होती है तो उसे नॉन बीएसडीए अकाउंट में ही डलवाना है, क्योंकि उस केस में आपको बहुत फायदा होने वाला है। कैसे होगा अभी जानते हैं। देखिए, अगर आप नॉन बीएसडीए अकाउंट बनवा लेते हैं तो उस केस में अगर आप 50,000 रुपये तक की होल्डिंग रखते हैं डीमैट अकाउंट में, कोई ईएमसी नहीं लगेगी। 50,000 रुपये से 2,00,000 रुपये की अगर आपकी डीमैट अकाउंट में होल्डिंग रहती है तो 100 रुपये सालाना की ईएमसी लगेगी। अगर 2,00,000 रुपये से ज़्यादा की होल्डिंग आपके डीमैट अकाउंट में रहती है तो उस केस में जो ईएमसी लगेगी वो 50 रुपये पर मंथ यानी कि 600 रुपए पर ईयर लगेगी, चाहे आप ट्रेड फ्री प्लान लें चाहे ट्रेड फ्री यूथ प्लान लें। दोनों ही केस में अगर आप नॉन बीएसडी अकाउंट बनाते हैं तो ये तरीके के आपके ईएमसी लगेगी, लेकिन अगर आपको बीएसडी अकाउंट में डाल दिया गया तो इस चीज को आपको इग्नोर नहीं करना है, एग्जीक्यूटिव से बात करके केयरफुल इस चीज को चूज करना है जिससे कि आपका ईएमसी में फायदा हो जाएगा। क्योंकि अगर आप बीएसडी अकाउंट में चले गए तो 10,000 रुपए से कम होने पर तो आपकी कोई ईएमसी नहीं लगेगी, लेकिन जैसे ही आपके डीमैट अकाउंट में होल्डिंग वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी वहां पर 50 रुपए पर मंथ की ईएमसी लगना डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए आपको एक एडिशनल टिप यही है कि आप नॉन बीएसडीए डीमैट अकाउंट ही बनाइएगा, ध्यान रखिएगा अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे। अब हम बात कर लेते हैं और इनके जो कोर ब्रोकरेज चार्जेस हैं, तो कोर ब्रोकरेज चार्जेस में डिलीवरी के जो चार्जेस हैं वो ट्रेड फ्री यूथ प्लान के अंदर आपको फ्री मिल जाती है डिलीवरी। ट्रेड फ्री प्लान में आपको डिलीवरी फ्री नहीं मिलती है, 0.25% के ब्रोकरेज चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे सभी सेगमेंट्स में यानी कि इक्विटी करेंसी कमोडिटी में आपको फ्री मिलता है दोनों ही प्लान्स के अंदर। इसके अलावा बात करें अगर फ्यूचर्स की तो फ्यूचर्स भी इक्विटी करेंसी कमोडिटी तीनों ही सेगमेंट में दोनों ही ब्रोकरेज प्लान्स के अंदर ट्रेड फ्री यूथ और ट्रेड फ्री प्लान में दोनों ही जगह फ्री मिल जाता है। ऑप्शंस भी आप इंट्राडे अगर करते हैं किसी भी सेगमेंट में इक्विटी करेंसी कमोडिटी में तो दोनों ही ब्रोकरेज प्लान्स में आपको फ्री मिल जाता है। इसके बाद अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने ट्रेड्स को यानी कि ऑप्शंस में फ्यूचर्स में अगर आप कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेड लेते हैं तो उस केस में आपको जो है चार्जेस पे करने पड़ते हैं दोनों ही जगह। क्या क्या चार्जेस हैं? ट्रेड फ्री यूथ प्लान के अंदर जो चार्जेस हैं वो है 0.049% पर डे, और वहीं जो ट्रेड फ्री प्लान के अंदर चार्जेस हैं वो है 20 रुपी फ्लैट के। अब कहने का मतलब इन चार्जेस को अगर समराइज करूं तो ये मतलब निकल करके आता है कि ट्रेड फ्री यूथ प्लान में आपको यहां पर फैसिलिटी दी जा रही है, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और डिलीवरी फ्री मिलती है। वहीं अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रेड फ्री यूथ के अंदर तो आपके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं ट्रेड फ्री प्लान में तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, वहां पर 20 रुपी क्योंकि फ्लैट चार्जेस रहेंगे, लेकिन ट्रेड फ्री प्लान में आपको इक्विटी डिलीवरी महंगी पड़ती है क्योंकि 0.25% की रेट से डिलीवरी चार्ज एप्लीकेबल होता है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और बता दूं फाइनली समराइज करने से पहले कि मैक्स जो प्लान है इनका एक और प्लान है ट्रेड फ्री मैक्स प्लान। ट्रेड फ्री मैक्स प्लान जो है वो भी कुछ कुछ यहाँ पर ट्रेड फ्री प्लान के जैसा ही है, लेकिन फर्क इतना है कि ट्रेड फ्री मैक्स प्लान में जो है यहाँ पर आपको मार्जिन जो है वो और सस्ता मिल जाता है। तो अगर आप मार्जिन ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेड फ्री मैक्स प्लान को भी आप ले सकते हैं। बाकी बहुत कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो ट्रेड फ्री प्लान के जैसे ही हैं। अब यहाँ पर फाइनली मैं कंक्लूजन देना चाहूँगा कि अगर आप कोटक सिक्योरिटीज में डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस केस में आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो पर्टिकुलरली ट्रेडिंग के लिए ही मैं आपको ये डीमैट अकाउंट रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस आपके बच जाएंगे। अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो उस केस में आपको एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए, ज़ीरोधा में अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए। एंजल वन में क्योंकि मेरा खुद का डीमैट अकाउंट भी है, मैं काफी सारी ट्रेडिंग करता हूं, काफी सारी होल्डिंग वैल्यू भी है मेरी एंजल वन के डीमैट अकाउंट के अंदर, इसलिए मैं एंजल वन ही रिकमेंड करता हूं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप किसी ट्रस्टेड ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप अपस्टॉक्स में भी अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, अपस्टॉक्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा कोटक सिक्योरिटीज में आपको टेक्नोलॉजिकल वाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, इनका जो ऐप है उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम परेशानी देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जो जीरो ब्रोकरेज वाले डीमैट अकाउंट्स हैं ये आपको थोड़ी बहुत यहां पर परेशानी इनके टेक्नोलॉजी वाइज देखने को मिल सकती है, और ये सिर्फ कोटक सिक्योरिटीज के साथ नहीं है, जितने भी जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट है फिनवेशिया फ्लैट ट्रेड एमस्टॉक वगैरह उन सभी में आपको मोबाइल ऐप के अंदर लैगिंग के इश्यूज या हैंग होने के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए आप केयरफुली अपना डिसीजन लीजिए, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख दी है, आपके लिए ऑप्शंस भी मैंने रख दिए हैं, आप केयरफुली अपना डिसीजन ले सकते हैं। अगर आप मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे
का टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं अपनी खुद की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के बारे में बता देता हूं, कौन शेयर्स में मैंने खरीदारी करी है, कौन से म्यूचुअल फंड्स मैंने खरीदे हैं, कौन से शेयर्स मैंने बेचे हैं, वो सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ शेयर करता रहता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो कोटक सिक्योरिटीज में या किसी भी जीरो ब्रोकरेज डीमैट अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, ताकि उनकी कुछ हेल्प हो सके। मिलते हैं गाइस फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।